अरे यार, यहाँ पे तो वीडियो तूने स्टार्ट कर दी और तूने मुझे बताया भी नहीं है यार। चल रहने दे। एक भाई वो ये है जिसने मुझे नहीं बताया कि वीडियो मैंने शुरू कर दी है, और मैं ताकि एक तरह से पोज ले सकूँ, आप तक मैं खबर पहुँचा सकूँ। और यहाँ पर दूसरे और डीडी फ्रीडीश को भी यही हाल बना हुआ है, कोई भी चैनल हटाने से पहले बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं करता है। अगर हम बाकी डिटेल्स की बात करें, टाटा स्काई की बात करें, एयरटेल की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमारे पास सूचना आ जाती है कि ये जो चैनल है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हटाया जाने वाला है। लेकिन डीडी फ्रीडीश बिल्कुल उलट है, इसे कोई मतलब नहीं है कि कोई चैनल लॉन्च हो रहा है तो वो कब चैनल हटाया जाएगा, इसको लेकर कोई भी खबर हमें नहीं दी जाती। और एक बार फिर से डीडी फ्रीडीश ने अपने ग्राहकों को झटका दे दिया है और यहाँ पर एक और चैनल बंद हो गया है। वैसे बताना चाहूंगा कि मैं भी बहुत तंग हो चुका हूँ। हर दिन कोई ना कोई चैनल डीडी फ्रीडिश से भारी ही होता जा रहा है, कोई लॉन्च तो क्या ही होगा, क्योंकि डीडी फ्रीडिश में आपको मालूम है कोरोना वायरस की वजह से हालत बहुत खराब हो गई है। कोई चैनल अपने आप को इन्वेस्ट करने के लिए डीडी फ्रीडिश में तैयार नहीं है, पैसा ही नहीं है ना। सबसे बड़ी जो बात है वो पैसा है भाई, जब पैसा ही नहीं बचेगा तो चैनल क्या खाक करेंगे, क्या फायदा चैनल का। इसलिए पैसा बहुत जरूरी है, और डीडी फ्रीडिश को भी अगर पैसा चाहिए ना, तो या तो उनको अपनी करेज फीस के दामों में गिरावट करनी होगी, या फिर उन चैनल्स को राहत देनी होगी। यहाँ पर चैनल्स ने जो है यहाँ पर मांगा है कि हमें 3 महीने की करेज फीस को माफ करें, लेकिन यहाँ पर डीडी फ्रीडिश कहता है कि हमें जो है करेज फीस माफ करना तो भाई गवारा नहीं होता, लेकिन हम 3 महीने का आपको समय दे सकते हैं, 3 महीने में आप इंस्टॉलमेंट के हिसाब से मुझे पैसा दे दीजिए, आपका चैनल बरकरार रहेगा। तो ऐसे में जो है कुछ चैनल्स हमारे लिए बंद होते जा रहे हैं। अभी एक और जो चैनल सामने हमारा नाम आया है वो है जेके 24/7 न्यूज। ये जो चैनल अब आपको MPEG 4 स्लॉट में देखने को मिल रहा था और अचानक से बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर हमारे लिए क्या पेश हो रहा है इसको लेकर आपको मैं टीवी स्क्रीन की ओर ले जाकर जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाते ही ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह से आगे भी मिलते रहे। इसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी दोस्तों लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सीधा टीवी स्क्रीन की ओर आ चुके हैं और सामने आप देख सकते हैं कि जेके 24/7 न्यूज चैनल हमारे लिए बंद कर दिया गया है। ये जो चैनल है आपको डीडी फ्रीडिश में MPEG 4 के स्लॉट में देखने को मिलता था, और ये जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो है 11630 वर्टिकल 3410। इस ट्रांसपोंडर में हमारे लिए करीब 20 से 21 चैनल जो हमें देखने को मिलते हैं, सभी के सभी MPEG 4 के चैनल्स हैं, और उन्हीं में ये चैनल था जेके 24/7 न्यूज, जो कि हमारे लिए करीब 14 या 15 मई के आसपास बंद होने वाला था, लेकिन 2 से 4 दिनों के एक्सटेंशन के बाद यहाँ पर जो है हमारे लिए चैनल फाइनली बंद कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं जो है इस चैनल ने आगे पैसे देने से इनकार कर दिया है, और तभी डीडी फ्रीडिश ने इस चैनल को अपने DTH प्लेटफॉर्म से निकाल दिया है। अब आने वाले समय में कोई नया चैनल लॉन्च होता है या नहीं होता है तो उसको लेकर कुछ कह पाना तो फिलहाल मुश्किल होगा, क्योंकि डीडी फ्रीडिश की ओर से अभी तक कोई भी नई ई ऑक्शन को लेकर खबर जारी नहीं की गई है। बाकी इसको लेकर आपके मन में कोई सवाल चल रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियो से नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। नमस्कार।